Hi everybody, today we are going to discuss about the incised wound, inke clean cut wound, inke the wound which is clean cut through the tissues by sharp cutting weapon, inke kisi dhardar hathiyar se katne wala zakhm या जिस्म पर बनने वाला जख्म जो है आपका, जो किसी धारदार हथियार से मारा गया हो, बनाया गया हो, तो इट इज कॉल्ड द इनसाइज्ड वुंड। ये वेपन्स जो है आपका, कौन से वेपन्स, जैसे आपका कौन से हथियार, जैसे आपका नाइफ यानी कि चाकू, ब्लेड या स्काल्पल, या आपका स्वॉर्ड यानी कि तलवार, या डैगर छुरा, या आपका कृपाण या कुल्हाड़ी या आपका सिकल यानी कि दांती वगैरह। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनसाइड वुंड, क्या क्या करेक्टर हमें जो है उसमें दिखाई देते हैं जब हम उसके जख्म को देखते हैं, कैसे हम पहचानते हैं कि ये किसी शार्प कटिंग वेपन से बना होगा, तो उसमें सबसे पहले देखते हैं एज्स यानी कि उसके किनारे। ये आपका हमने जख्म बनाया है मिसाल के तौर पर, तो इसके ये जो किनारे हैं, दोनों साइड के किनारे जो है, ये आपका क्लीन कट होंगे, बिल्कुल क्लियर होंगे, और इनके ऊपर कोई एब्रेजन, कोई कंट्यूजन जनरली नहीं दिखाई देगा। और ये मोस्ट कॉमनली देखने में आता है कि ये इवर्टेड होते हैं, बाहर को इसके जो मार्जिन्स होते हैं वो ऊपर को बाहर की तरफ को खुले हुए होते हैं, तो एज्स जो है आप इस तरह से देखते हैं। लेकिन कुछ साइड्स पर जहां पर स्किन जो है वो डायरेक्ट मसल्स के साथ अटैच होती है यानी कि मसल के संपर्क में रहती है, और वहां की स्किन जो है वो आपका कोरोगेटेड होती है, तो वहां पर कट जो है आपका, उसके जो मार्जिन्स होंगे, उसके जो एज्स होते हैं वो इन्वर्टेड भी मिल सकते हैं, जैसे किसी आपका मेल के स्क्रोटम के ऊपर जो कट लगता है, तो चूंकि उसके स्किन के अंदर फोल्ड्स होते हैं, स्क्रोटम पर जो कट लगता है और उसके जो एज्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। नंबर टू वाइड, देखिए वाइड जब हम देखते हैं, इसकी चौड़ाई जो देखते हैं, ये मोस्ट कॉमनली आपका ग्रेटर देन द एज ऑफ वेपन यानी कि जिस हथियार से वो जख्म बना है उसके ब्लेड से ज्यादा जो है उसके जो वाइड है जख्म की वो ज्यादा होगी, क्योंकि रिट्रैक्शन ऑफ द टिश्यूज, जैसे कट लगता है तो टिश्यूज जो है वो रिट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वहां पर ब्लेड से ज्यादा चौड़ाई का जख्म जो है वहां पर दिखाई देता है यानी कि उसकी जो वाइड है। नंबर थ्री लेंथ, जब हम जख्म की लंबाई देखते हैं, जब हम ये लंबाई देखते हैं तो ये लंबाई जो है हमारा लेंथ ऑफ द कट जो है ये हमेशा जो है ये गहराई से और वाइड से यानी कि वाइड से और डीपनेस से, चौड़ाई और गहराई से हमेशा ज्यादा मिलता है, हमेशा ज्यादा, क्योंकि जब कट मारा जाता है तो वो इस तरह से जाता है तो एक जगह स्टक नहीं होता बल्कि दूर तक जाता है, तो उसकी वजह से उसकी लंबाई ज्यादा देखने को मिलती है बमुकाबले चौड़ाई और गहराई के। नेक्स्ट आता है नंबर फोर, शेप ऑफ इनसाइज वुंड, इनसाइज वुंड की शेप किस तरह से होती है। देखिए जनरली देखने में आता है कि उसकी शेप जो है आपका कैसी होती है, स्पिंडल शेप में होती है, स्पिंडल शेप यानी कि दोनों किनारे नैरो और बीच में से सेंट्रली जो है वो वाइड होता है, क्योंकि जिस वक्त कोई इंस्ट्रूमेंट जिस्म से टकराता है, जिस वक्त कट लगता है, तो कट लगने पर वहां के टिश्यूज जो कटते हैं और मसल्स और स्किन के अंदर कॉन्ट्रेक्शन और इलास्टिसिटी होने की वजह से वो वहीं पे रह जाते हैं यानी कि खुल जाते हैं, ज्यादा खुल जाते हैं, सेंटर में से ज्यादा खुल जाएंगे तो उसकी वजह से सेंटर जो है वो आपका वाइड हो जाएगा और जो किनारे होंगे वो नैरो रह जाते हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू द रिट्रैक्शन ऑफ द टिश्यूज सेंट्रली, सेंट्रली जो है वो टिश्यूज जो है वो ज्यादा दूर हो जाएंगे लेकिन किनारे आपस में जुड़े रहेंगे, तो इसकी वजह से उसकी शेप कैसे हो जाएगी, स्पिंडल शेप हो जाती है। ये अगर बॉडी के ऊपर ट्रांसवर्स कट लगा है तो ये बीच में से जो चौड़ाई होगी वो ज्यादा होगी बमुकाबले एक लॉन्गिट्यूडनल कट के। एक कट अगर ऐसे लगा है जिस्म के ऊपर तो क्या होगा कि वहां के जो मसल्स और टिश्यूज वगैरह वो कॉन्टेक्ट होकर दूर हो जाएंगे यानी कि अपनी अपनी तरफ कॉन्टेक्ट हो जाएंगे, वो इधर को और इधर को, वहां पर ज्यादा चौड़ा मिलेगा, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल अगर कट लग रहा है बॉडी के ऊपर तो वो कम खुलेगा, ज्यादा नहीं खुलेगा, क्योंकि मोस्टली मसल्स जो है वो आपका लॉन्गिट्यूडनली बॉडी के अंदर लाइज है, तो उनके कटने पर उनके डायरेक्शन के मुताबिक वो अगर ट्रांसवर्स कट लगा है तो ज्यादा चौड़ा जख्म होगा और अगर लॉन्गिट्यूडनल कट लगा है तो कम चौड़ा जख्म देखने को मिलता है। और अगर
कोई स्किल यानी कि दराती वगैरह अगर जिस्म के ऊपर मारी गई है तो उसका कट जो है वो आपका एल सर्किल मिलता है। जैसे लिंब के ऊपर मारी, दाती की शेप कैसी होती है, इस तरह की होती है, इस तरह कर्व होती है। तो जब वो जिस्म पर मारी जाएगी तो जैसा उसका पोजिशन होगी उसी तरह से कट जो है वो जिस्म के ऊपर फॉर्म होता है। तो सिकिल में उसका एन सर्किल मिलेगा जिस तरह से उसका ब्लेड था। नेक्स्ट आता है आपका हेमरेज। देखिए जो आपका इनसाइज वोंड होते हैं इसमें जनरली देखने में आता है कि गहराई तक कट लगता है और आपका आर्टरीज भी कट हो जाती है। तो आर्टरीज के कट होने पर, आर्टरीज के कट होने पर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी तो उससे जो है आपका हेमरेज की कंडीशन पैदा हो जाती है। यहां एक बात और है कि अगर आपकी आर्टरी जो है वो आपका इनकम्प्लीटली कट हुई है, पूरी तरह से नहीं कटी है, तो वहां से जो ब्लड निकलता है वो फव्वारे की तरह से बाहर, फुहार के साथ जो है बाहर निकलता रहता है। और अगर आर्टरी पूरी तरह से कट जाती है तो वहां से ब्लड ऊज होता है, जैसे उबलता हुआ पानी आपने देखा होगा ऊज की तरह से होता रहता है। तो पूरी आर्टरी कट होने पर ब्लड जो है वो आपका ऊज होता है। डायरेक्शन देखिए, इनसाइड वुंड का जब हम डायरेक्शन देखते हैं तो जहां से जख्म शुरू हुआ है यानी कि जहां इंस्ट्रूमेंट पहले जिस्म से टकराया है वो साइट जो है वो डीप होगी, लेकिन आगे आते आते ये तो फोर्स कम हो जाएगी और ब्लेड बाहर जिस्म से निकलता चला जाएगा उस साइट से, तो आखिर में आके सिर्फ स्किन जो है वो आपका कटी हुई दिखाई देती है। तो उससे अंदाजा हो जाता है कि ये किस डायरेक्शन से मारा गया है, यानी कि जो कमेंसमेंट ऑफ द वुंड है जहां से जख्म शुरू हुआ है, या सपोज करिए यहां से जख्म शुरू हुआ है ऐसे मारा गया है तो ये यहां पर शुरू हुआ है तो ये यहां पर डीप होगा, डीप कट होगा, और इस एरिया को, इस पार्ट को हम हेड ऑफ द वुंड कहते हैं, हेड ऑफ द वुंड कहते हैं। तो ये इस तरह से चलेगा तो लास्ट में जाते जाते फोर्स कम होती जाएगी और वो खाली स्किन एलोन ही कटेगी लास्ट में जाके, तो वहां पर जो है वो इस तरह से टेल बन जाती है। तो इसीलिए इसको वुंड की टेल कहा जाता है। जहां से जख्म शुरू हुआ है, जहां से जख्म शुरू हुआ है वो पार्ट जो है हेड कहलाता है, और जहां पर जख्म खत्म हुआ है वो पार्ट जो है इसका टेल कहलाता है। तो इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि जख्म किस तरह यानी कि चोट किस तरफ से मारी गई थी, उसका डायरेक्शन क्या था, वार का डायरेक्शन क्या था, और इससे यह भी अंदाजा हो सकता है कि असाइलेंट ने किधर से वार किया था, विक्टिम की पोजीशन और असाइलेंट की यानी कि हमला करने वाले की पोजीशन का भी अंदाजा इससे एक हद तक हो जाता है। बेवलिंग कट, देखिए अगर इफ ब्लेड ऑफ वेपन एंटर ऑब्लिकली, अगर ब्लेड जो है ऑब्लिकली मारा गया है तो वहां पर क्या होगा, एक एंगल सा बन जाता है। तो ऐसा एंगल सा फॉर्म होने पर ही यानी कि वहां पर एक तरह से उसका जो फ्लैप है वो उखड़ जाता है और ऑब्लिकली कटता है, तो उसकी वजह से उस कट को हम क्या कहते हैं, बेवलिंग कट कहते हैं। नेक्स्ट आता है एजिटेशन कट। देखिए एजिटेशन कट जो है मोस्टली सुसाइडल केसेस में देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब इंसान ये कट बनाता है यानी कि सुसाइड करने की कोशिश करता है तो वो ऐसे साइट पर मारता है जो उसके एसेसिबल एरियाज में हो, यानी कि वो एरिया जो है एसेसिबल है उसकी पहुंच में हो, जहां पर उसका हाथ आसानी से जा सकता हो, जैसे आपका फ्रंट ऑफ द नेक और आपका फ्रंट ऑफ द रिस्ट, इन साइड्स पर जो है वो इस तरह के जख्म शुरुआत में प्रिलिमिनरी जो वुंड होंगे, जो शुरुआत में जख्म होंगे वो शुरुआत में, क्योंकि उसको अंदर अभी डर रहता है कि यार कटेगा तो दर्द होगा, तो शुरुआत के जो कट्स होंगे वो आपका सुपरफिशियल होंगे, लेकिन लास्टली आते आते वो अपने साहस को, अपने हौसले को पूरी तरह से वो करके और एक डीप कट मारता है। तो लास्ट में आके जो कट लगता है वो बहुत डीप लगता है, लेकिन इनिशियल कट जो होते हैं वो सुपरफिशियल होते हैं और पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, एक से बहुत ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, एक ही बार कट नहीं होता है। तो ऐसे कट्स जो है वो आपका जो पैरेलल दिखाई दे और सुपरफिशियली इनिशियली जो सुपरफिशियल हो लास्ट में वो आपका डीप होता है, तो ऐसे कट जो है आपका क्या कहलाते हैं, एजिटेशन कट कहलाते हैं, और मोस्टली ये सुसाइडल केसेस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट होता है चॉप वाउंड। देखिए चॉप वाउंड से मतलब क्या है कि जब कोई हैवी एंड शार्प ऑब्जेक्ट, हैवी भी हो और शार्प भी हो, जिस्म से टकराएगा तो वो फ्लैप उतारेगा, बहुत फोर्स के साथ जो है जिस्म से टकराएगा, एक तो हैवी है एक फोर्स के साथ टकरा रहा है, तो उस सूरत में क्या होगा कि उससे फ्लैप उतरेगा और उसके जो मार्जिन होंगे वो जनरली देखने में आता है
कि उसके मार्जिन क्लियर कट तो होंगे लेकिन उनके ऊपर एब्रेजन और कंट्यूजन मिल सकता है। तो हैवी जो इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे कुल्हाड़ी है आपका, फरसा है आपका, फावड़ा है आपका, तो जब ये कट मारा जाता है या इस तरह से इससे कट बनता है या चोट लगती है तो वहां पर उसके मार्जिन के ऊपर हल्का सा ब्लूश कलर यानी कि उसके जो मार्जिन है वो एब्रेडेड मिल सकते हैं और कंट्यूजन मिल सकते हैं। किन पे? जैसे कुल्हाड़ी हुआ, फावड़ा हुआ, फरसा हुआ, तो इस तरह के हैवी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे जो कट बनता है उसको हम चॉप वाउंड का नाम देते हैं, चॉप वाउंड का नाम देते हैं। तो ये थे इसके करैक्टरिस्टिक्स। इसके बाद आता है कि वो कट सुसाइडल था या होमिसाइडल था या एक्सीडेंटल था। देखिए सुसाइडल या सेल्फ इंफ्लिक्टेड यानी कि इंसान ने खुद अपने ऊपर बनाया है, तो वो कट जो है आपका वो एजिटेशन कट की तरह से होते हैं। एजिटेशन यानी कि शुरुआत में सुपरफिशियल और एक दूसरे के पैरेलल बहुत सारे मिलेंगे और वो एसेसिबल एरिया जहां पर इंसान की अपनी पहुंच हो सकती है वहां पर जो है वो कट बनते हैं तो उनको हम देखते हैं। तो ऐसे कट जो है आपका सुसाइडल या सेल्फ इंफ्लिक्टेड इनसाइड वुंड कहलाते हैं। होमिसाइड वुंड जो है, होमिसाइडल इनसाइड वुंड जो है वो देखिए जनरली बॉडी पर किसी भी पार्ट पर मिल सकते हैं लेकिन मोस्ट कॉमनली देखा जाता है नेक पर और हेड पर या चेस्ट पर होता है क्योंकि मारने वाला ये कोशिश करता है कि उसको जितना जल्दी हो सके अपने सामने दुश्मन को जल्दी से मारा जा सके। तो वो ऐसी साइट पर जो है वार करता है जहां से इंसान की मौत जल्दी से जल्दी होती है। तो ऐसी जगह पर बॉडी पर बहुत सारी जगह मिल सकता है लेकिन वो जनरली कोशिश करता है कि उसके हेड पर या नेक पर या चेस्ट पर जो है वार किया जाए। तो इस तरह के जख्म जो वहां पर मिल सकते हैं, मीन वो लिंब पर भी सकते हैं, बैक पर भी मिलेंगे और पैर पर मिलेंगे, हर जगह जो है वो आपका लिंब के ऊपर मिल सकते हैं। जैसा उससे उसकी असाइलेंट की सिवियरिटी का अंदाजा होता है कि किस खतरनाक तरीके से मारा गया है। तो ऐसे कट जो है आपका होमिसाइडल कट कहलाते हैं। एक्सीडेंटल इनसाइड वुंड, एक्सीडेंटल देखिए बॉडी पर एनीवेयर कहीं पर भी हो सकते हैं यानी कि कोई जो है आपका ग्लास का टुकड़ा पड़ा है सीधा उसके ऊपर डायरेक्ट गिर गया या कोई कुल्हाड़ी पड़ी है नीचे उसका ब्लेड उठा हुआ है और उसके ऊपर गिर जाता है इंसान या कोई भी ऐसा शार्प ऑब्जेक्ट जो है आपका पड़ा हुआ है कहीं या खड़ा हुआ है तो उससे आदमी का जिस्म टकराता है तो वो बॉडी पर एनी वेयर कहीं पर भी जो है आपका मिल सकता है। लेकिन उसके साथ साथ वहां के सर्कमस्टांसेस भी देखे जाएंगे कि सर्कमस्टांसेस बॉडी पर या उसके आसपास जो है कैसे सर्कमस्टांसेस है उससे अंदाजा हो जाएगा कि ये जो है आपका एक्सीडेंटल इनसाइज वुंड है। तो अगर नेक पर वार हो रहा है, कट थ्रॉट वाउंड अगर हो रहा है, गला अगर कट रहा है, नेक अगर कट हो रही है तो वहां पर इंसान की मौत किन वजूहात से हो सकती है, किन कारणों से हो सकती है। देखिए इसमें इंसान की जो डेथ होगी सबसे पहला तो है मेन कॉज आपका हेमरेज की वजह से, ब्लड जो है बहुत ज्यादा निकल जाता है तो हेमरेज की वजह से इंसान की डेथ हो सकती है। नंबर टू एयर एम्बोलिज्म की वजह से यानी कि जब कटता है तो जो बाहर की एटमॉस्फेरिक एयर है वो आर्टरी जो है अपने अंदर सब करती है, अपने अंदर खींचती है तो उस कंडीशन में एयर जो है उसके अंदर पुश हो जाती है और कहीं पर बढ़ जाकर वो उस रास्ते को ब्लॉक कर सकती है, एयर एम्बोलिज्म की वजह से इंसान की डेथ हो सकती है। या कट थ्रॉट में ब्लड ऊज हो रहा है और वो ब्लड जो है आपका इतना कट गया है यानी कि पोर्शन गले का कि वो उसमें ट्रेकिया वगैरह भी कट गई तो वो ब्लड आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर चला जाए तो उसकी वजह से आपका रेस्पिरेशन ब्लॉक हो जाएगा और इंसान की जो है वो आपका डेथ हो सकती है। तो कट थ्रॉट वाउंड में एक तो हेमरेज की वजह से, एक एयर एम्बोलिज्म की वजह से और एक जो है आपका इनहेलेशन ऑफ द ऊजिंग ब्लड इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उसकी वजह से इंसान की मौत हो सकती है। मेडिको लीगल इंपोर्टेंस, इनसाइज वुंड की मेडिको लीगल इंपोर्टेंस क्या है? मेडिको लीगल इंपोर्टेंस नंबर एक, इट मे इंडिकेट नेचर ऑफ द वेपन यानी कि आपका वुंड को देखकर, जख्म को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का वेपन या कौन सा वेपन जो है इस पर इस्तेमाल किया गया होगा। नंबर टू डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये भी अंदाजा लग सकता है कि किस तरफ से वार किया गया होगा यानी कि विक्टिम की पोजीशन क्या होगी और हमला करने वाले की पोजीशन क्या होगी इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। एज ऑफ द वुंड मे बी डिटरमाइन यानी कि जख्म की कंडीशन देख के ये भी अंदाजा लग सकता है कि वो कितनी पुरानी है, फ्रेश है, एक दिन की है, दो दिन की है, तीन दिन की है, चार दिन की है।
इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरे, जख्म देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो आपका सुसाइडल था यानी कि आत्महत्या, या आपका होमिसाइडल था यानी कि कत्ल का केस था, या एक्सीडेंटल एक्सीडेंटल का केस था। तो ये था आज हमारा लेक्चर इनसाइड वुंड, इनसाइड वुंड। अगर इसमें से कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।